जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जब भारत देश के अंदर या हमारे समाज में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ बहुत सारे अंधविश्वास, एक बहुत बड़ा जातिवाद उसके साथ जन्म ले लेता है। और एक जैसे छोटा सा एक पौधा या एक पेड़ है और उसके ऊपर एक टायर रख दिया गया है धर्म अंधविश्वास जातिवाद का, ऐसे ही टायर रख दिया जाता है। और जिस तरह वो पेड़ बड़ा होता जाता है, उस टायर की गिरफ्त उसमें और ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। आज जब मैं मॉर्निंग वॉक पर आया तो मैंने इसी प्रकार का एक पेड़ देखा। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा पेड़ है, और इस पर ये टायर, जब ये छोटा था पेड़ तब इस पर ये टायर लगा दिया गया होगा, और जिस तरह ये पेड़ बड़ा होता गया इसकी गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत होती चली गई। इसी प्रकार आज हमारे समाज में भी जातिवाद, अंधविश्वास और बहुत सारे रीति रिवाज जिसे हम बिना सोचे समझे आँख मूंद करके फॉलो कर रहे हैं, ऐसे रीति रिवाज, ऐसे त्यौहार जिनके बारे में, जिनकी इतिहास में कुछ पता ही नहीं है हमें, ऐसे त्यौहारों को, ऐसे रीति रिवाजों को हम दिन रात फॉलो कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि इसमें है क्या, इसकी सच्चाई है क्या, और हम उस गिरफ्त में, उस टायर की गिरफ्त में फंसते चले जा रहे हैं। अब इस टायर को निकालने के क्या तरीके हैं? या तो इस समाज या इस व्यक्ति को काट दिया जाए और इस टायर को निकाल दिया जाए, या इस टायर को काट दिया जाए। हमारे महापुरुषों ने समय समय पर हमारी आंखें खोलने का काम किया। महात्मा ज्योतिबा राव फुले, सावित्री बाई फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, काशीराम साहब, बहुत प्रयास, बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने समाज से इन अंधविश्वास रूपी टायर, इस जातिवाद रूपी टायर को काटने का कार्य किया। बिल्कुल इस तरह जिस तरह इस टायर को काटा गया, बिल्कुल इस तरह इस टायर को काटने का काम किया। लेकिन हुआ क्या, हमारे समाज ने किया क्या, इस टायर को वापस से जकड़ लिया, वापस से जकड़ लिया। जिस तरह आप देख रहे हैं जंजीर और ताले के साथ इसको वापस से जोड़ दिया गया, इसी प्रकार हमारे समाज ने उस अंधविश्वास, उस बिना मतलब के रीति रिवाज, धर्म, बहुत सारे पाखंड को वापस से जकड़ लिया। छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि इसके बिना उसको मज़ा नहीं मिल रहा था। त्यौहारों में देखा आपने किस प्रकार से हुल्लड़पन होता है। हमारा समाज समझने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, इतिहास जानने को तैयार नहीं है, अंधविश्वास से मुक्त होने को तैयार नहीं है, जातिवाद से मुक्त होने को तैयार नहीं है। उसे शादी ब्याह करना है तो उसे अपनी ही जात का चाहिए, उसे समाज में बैठना है तो उसे अपनी ही जात के लोग चाहिए। क्यों क्यों चाहिए? लेकिन हमारा समाज जागने को तैयार नहीं है, और वो इसी प्रकार जकड़ा हुआ है। और जब तक जकड़ा रहेगा तब तक ये कभी आज़ाद नहीं रहेगा, इसी प्रकार गुलाम रहेगा, इसी प्रकार गुलामी की ज़िंदगी वो जिएगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप अपने समाज को, अपने देश को, अपने आसपास के परिवेश को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको बाबा साहब के विचारों पर चलना पड़ेगा, आपको तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलना पड़ेगा, आपको काशीराम साहब को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपका समाज, आपका परिवेश और आप स्वयं आज़ाद हो पाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, वरना सिर्फ गुलामी ही चलती रहेगी। अब कोई काटने नहीं आएगा, अब इसकी ताला चाबी आपके पास ही है, आपको खुद इसको खोलना है और अपने आप से अलग कर देना है, तभी हम एक अच्छे समाज को बना पाएंगे, तभी हम अपने लोगों को डेवलप कर पाएंगे, तभी हम अपने भारत देश को वापस से सोने की चिड़िया बना पाएंगे। पेड़ को ध्यान से देखें और अपने आप को जज करें कि आप किस पायदान में हैं, कहीं आप भी तो वो नहीं हैं। सब जानते हुए भी इसी प्रकार जंजीरों से उन प्रथाओं को, उन कुरीतियों को, उन जातिवाद चीज़ों को जकड़े हुए हैं। जय भीम नमो बुद्धाय।